हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रैक्टिकल की सीरीज शुरू कर दिए हैं और जिसमें मैंने आपको M1R5 का प्रैक्टिकल का सीरीज पहला सेट जो है दिया हुआ है। आज मैं दूसरा सेट लेके आया हूँ M2R5 का, अर्थात हम लोग M2R5 का पहला पेपर लेके आए हैं, पहली क्लास लेके आए हैं M2 की। इसके बाद अगली जो क्लास हमारी आएगी वो M4 की आएगी, पहली क्लास प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको क्वेश्चंस कुछ मिले हुए हैं इस वाले सीरीज में कि आपको क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चंस मिले हुए हैं। अगर आप जो है मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो कैसे एग्जामिनेशन करने होते हैं, कैसे आपको क्या क्या रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जो है उस वाली वीडियो को ज़रूर देखें। अब अगर बात डायरेक्ट आते हैं हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल की, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि राइट अ HTML कोड डिवाइड अ ब्राउजर विंडो इनटू 2 वर्टिकल सेक्शन एंड डिवाइड ईच सेक्शन इनटू 2 पार्ट्स विथ डिफरेंट कलर पर्पल एंड ग्रीन। 1 पर्पल साइड नॉर्मल नाइलेट शुड बी डिस्प्लेड एंड 1 ग्रीन साइड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड बी डिस्प्लेड विथ ब्लिंकिंग। तो ये आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस को आपको करने होंगे। तो उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चंस अगर आप देखें तो दूसरा क्वेश्चंस भी आपका HTML से रिलेटेड है कि आपको HTML के कुछ एंकर टैग के यूज करने हैं। तो एंकर टैग के यूज करके करते हुए आपको क्या क्या करना है। पहला आपको लिंक बनानी है जो आपको एक नई विंडो में खोल के दे, दूसरी आपको लिंक बनानी है जो उसी विंडो में खोले, तीसरी आपको लिंक बनानी है कुछ इमेज को लेकर के, और चौथा आपका मेकिंग इमेज हाइपरलिंक टू डिस्प्ले सेकेंड इमेज, यानी जिस भी इमेज पे आप क्लिक करें तो उसका दूसरा इमेज क्या हो जाए, खुल जाए। नेक्स्ट आगे अगर आप चले तीसरा वाले क्वेश्चंस को देखें तो ये तीसरा क्वेश्चंस में दिया गया है राइट अ HTML कोड फॉर क्रिएटिंग टेबल विथ 9 कॉलम्स एंड n रोज। हेयर n इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जितने स्टूडेंट्स आपको चाहिए यहाँ पे आप n के माध्यम से ले सकते हैं। निष्कर्ष की कॉलम्स कंटेन स्टूडेंट एट्रीब्यूट सच एज सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये आपका कॉलम हो जाते हैं, इस कॉलम को आपको इतने हेडिंग एक तरह से कह सकते हैं बनाने होंगे, और आपको जितने भी स्टूडेंट्स रखने होंगे वो आपकी ये नंबर ऑफ रोज होती है। ठीक है, ये एन मान लीजिए कि नंबर ऑफ रोज है। अब इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने बैठेंगे तीनों क्वेश्चन को तो ये तो 3 घंटे का पेपर होता है, आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करना होता है 3 घंटे में। बट मैं आपको यहाँ पे एक हिंट टाइप में कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे करने हैं। बाकी आप अपने सिस्टम्स पे करिए इन सभी क्वेश्चंस को, मुझे जरूर विश्वास है आपके ऊपर कि आप लोग जो है ये क्वेश्चंस जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो मैं आपका उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, उसका प्रैक्टिकल एक बार जो है बता देते हैं कैसे कैसे आपको करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अपना सबलाइन ओपन कर लेना है या फिर आपको अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेना है, या आपके सिस्टम में जहां पे भी आप प्रैक्टिकल देने जाओगे वहां पे आपका जो भी टेक्स्ट एडिटर रहेगा उस टेक्स्ट एडिटर पे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो ये देखिए टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ से एक कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया हूँ। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 3 क्वेश्चंस में आपको करना क्या, ये नहीं कि आप एक विंडो यहाँ पे ले लिया और तीनों क्वेश्चंस किसी में कर दे, नहीं, अलग अलग के लिए अलग अलग विंडो आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लास्ट में चला जाता हूँ, ये मेरी लास्ट विंडो है, अब कंट्रोल एन प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरी आपकी विंडो आ चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है HTML लगा लेते हैं, या पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो इस फाइल को मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ ऊपर, और उसका नाम रख देता हूँ प्रैक्टिकल क्लास 1, PR क्लास 1, ठीक है, .html। तो ये मेरी क्लास हो गई है HTML की। अब ये जो अगर आपका सेव हो चुका है, अब यहाँ पे हम HTML लिख लेते हैं, बाकी ये सारे स्ट्रक्चर तो आपको सबको पता होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 लिखूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपकी टाइटल होगी टाइटल ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि सबसे पहले आपको जो विंडो है आपकी ब्राउजर की उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट का डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे देखें जो ब्राउजर्स आपके होते हैं इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है इसे। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको फ्रेम सेट लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रेम सेट लगाना पड़ेगा। तो एक बात आपको ध्यान देनी होगी, जब आप फ्रेम सेट यूज करते हैं तो यहाँ पे बॉडी टैग नहीं यूज होता है, तो
आप यहाँ पे लगाएंगे फ्रेम सेट। फ्रेम सेट लगाने के बाद जो है, अब उसको फ्रेम सेट में आपको वर्टिकल में डिवाइड करना है, तो वर्टिकल के लिए कॉल्स यूज करते हैं। अगर आप इसका सबके बारे में नहीं पता है तो आप मेरी एस्टिमल वाली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है। वहां पे मैंने पूरा एक एक इसके टैग के बारे में बताया जितना आपका एस्टिमल में कंटेंट है। तो फ्रेम सेट में आपकी वीडियो जाके वहां से देख लीजिएगा एक बार। कॉल्स आप लगाइएगा, दो पार्ट में डिवाइड करना है तो यहाँ पे आप 50-50% यहाँ पे रख सकते हैं कि 50% और 50%। ठीक है, अब दो पार्ट में आपने फ्रेम को डिवाइड किया हुआ है तो दो इसके फ्रेम के नाम भी लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फ्रेम नेम इक्वल A1, डबल कोट्स में A1। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा फ्रेम का नाम है हमारा, दूसरे फ्रेम का नाम आपको यहाँ पे दे देना है, फ्रेम नेम इक्वल डबल कोट्स में A2। ये मेरा फ्रेम का नाम हो गया। यहां से मैं इसको हटा देता हूं फ्रेम को, अभी इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पे लास्ट में आप क्या कर देंगे, फ्रेम सेट को बंद कर देंगे। इसको सेव कर लिए हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं और हमारी जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपका जो फ्रेम था वो दो पार्ट में यहां पे क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि टू वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड कर देना है और डिवाइड ईच सेक्शन इंटू टू पार्ट्स विथ डिफरेंट कलर, यानी अलग अलग कलर से इसको क्या करना है, दो और सेक्शन में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो दो और सेक्शन में डिवाइड करना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो विंडो है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक कलर इसको भी आपको करना पड़ेगा और इसको भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम डिवाइड कर देते हैं फ्रेम को। तो देखो फ्रेम को अगर आपको डिवाइड करना है तो मैं सबसे पहले दूसरा वाला फ्रेम को डिवाइड करके आपको दिखा दे रहा हूँ, उसी तरीके से आप पहला भी कर लीजिएगा क्योंकि समय कम है, हमको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से फ्रेम सेट लगाएंगे। फ्रेम सेट लगाने के बाद जो है आप यहाँ पे लिखोगे रोज, क्योंकि इस बार आपकी रो डिवाइड होगी। अब देखो यहाँ पे 50-50% की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये स्टार हो गया है। अब इसमें दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है तो इसका भी आपको फ्रेम नेम रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे भी दे दिया फ्रेम और नेम, और हमारा जो फ्रेम का नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए, अर्थात जो आपने पहले फ्रेम का नाम रखा है वो दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट इन्हीं लाइन को कर ले रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, और इस फ्रेम का नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ B2, और इसको अगर मैं डिवाइड करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपका फ्रेम क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और एक का कलर आपको पर्पल रखना है, दूसरे का कलर आपको, तो अब यहाँ पे एक का कलर पर्पल और दूसरे का कलर ग्रीन रखना है। तो यहाँ पे जो फ्रेम्स हमने डिवाइड किए हुए हैं मैं इसी का कलर पर्पल और नीचे वाले का ग्रीन रख दे रहा हूँ। तो इसके लिए जाएंगे कोडिंग में। तो ये जो आपका है फ्रेम B1 और B2 है, ठीक है, इसमें हमको क्या करना होगा, एक अलग से पेज को यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे Ctrl+N एक और नया पेज ले रहा हूँ, और इस पेज में यहाँ पे मैं HTML लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे बॉडी वगैरह, हेड वगैरह, टाइटल वगैरह आप लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, HTML मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, और कलर के नाम से PUR.HTML नाम दे दे रहा हूँ, पर्पल नाम से। ये HTML मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्पल कलर, और बॉडी में मैंने लिख दिया बॉडी स्पेस BG कलर में इक्वल मैंने दे दिया पर्पल। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के पश्चात इसको क्या करेंगे, इसी में इस वाले फ्रेम में SRC लगाएंगे। SRC लगाने के बाद उसका जो नाम है PUR.HTML इसको लेके आ जाएंगे, यानी इंपोर्ट करा देंगे एक तरह से, और रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए इसका कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया। उसी तरीके से हमको दूसरे वाले फ्रेम का नाम क्या रखना है, आपका ग्रीन रखना है। तो फिर से एक नया पेज ऐसे ही ले लेंगे, यहां से मैं इसको Ctrl+A से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+N से नया पेज लेकर के और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो पर्पल है उसकी जगह पे ग्रीन कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और इसका नाम GR रख देता हूँ, GR.HTML। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे SRC लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे GR.HTML, अर्थात ग्रीन के लिए है। अब यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे देखिए क्या हो गया, ये सारे पेज में आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि ऑन द पर्पल साइड, जिस साइड पर्पल है लिखा होना चाहिए नाइलेट, ठीक है, और जिस साइड ग्रीन है उधर लिखना हो चाहिए आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे चलते हैं फिर से, और जो हमारा पर्पल वाला है इस पर्पल वाले में एक हेडिंग बना देंगे H1 नाम की, एक H1 नाम की एक हेडिंग बना दे रहे हैं, और उसमें आपका लिख देते हैं नाइलेट।
ठीक है, ये नाइलेट हो गया है आपका, ये नाइलेट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये नाइलेट यहाँ पे दिख रहा है, बाकी इसको सेंटर वगैरह करने का तरीका आपको पता है। उसी तरीके से नीचे अगर आपको दिखाना है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो जो ग्रीन वाला सेक्शन है उसमें आपको H1 लगा लेना है। उस H1 में आपको लिखना है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सेव कर लेते हैं और H1 को बंद कर देते हैं। अब अगर आप रिफ्रेश करके जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का दिख रहा है। नेक्स्ट उसी में कहा गया है कि आपका शुड बी डिस्प्ले विथ ब्लिंकिंग, यानी ब्लिंकिंग के साथ आपको शो कराना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे मार्की वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो मैं इतना लंबा नहीं लेके जा रहा हूँ, आप बाकी समझ गए होंगे कि मार्की वगैरह का आप यूज कर देंगे तो थोड़ा सा वो ब्लिंक करने लगेगा, आने जाने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रैक्टिकल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट आपका दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, एंकर टैग के माध्यम से लिंक बनानी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चार क्वेश्चंस हैं तो चार लिंक हमको बनानी पड़ेगी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन वन था आपका, 3 पेज का एक तरह से समझे। तो एक और हम यहाँ पे चलते हैं पहले लास्ट वाले पे, कंट्रोल एन से एक नया ले लेते हैं क्वेश्चंस और इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ क्वेश्चन टू नाम से, QU2.html, ठीक है, ये क्वेश्चन टू नाम से सेव हो जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन टू है हमारा, सबसे पहले हम HTML का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपको करना है वो एंकर टैग का यूज करना है, तो मैंने एंकर टैग लिख लिया। अब बॉडी में सबसे पहले अगर आप देखें क्या कह रहा क्वेश्चन में, पहला कह रहा कि एक लिंक आपको नए टैब में खोलनी है, नए विंडो में, या एक सेम में खोलनी है, दूसरा आपको कुछ इमेज का रेफरेंस देना है, और तीसरा हाइपर लिंक देना है। तो यहाँ पे ए हरिफ का यूज कर लेंगे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ए हरिफ का यूज कर ले रहा हूँ अपने इस डॉक्यूमेंट में, तो मैंने लगा ए हरिफ। अब ई हरीफ लगाने के बाद आपको कौन सा पेज खोलना है, तो मैंने यहाँ पे पेज जो भी बनाया था वही पेज का लिंक दे दे रहा हूँ HTML, ठीक है। अब इसके बाद फिर से वही काम हमको करने हैं, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया कि फर्स्ट लिंक, फर्स्ट लिंक, ठीक है, और ए को मैंने बंद कर दिया। ये पूरा का पूरा काम आपको चार बार करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चार बार इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक थी उसकी जगह मैंने यहाँ पे सेकेंड कर दिया, सेकेंड, और यहाँ पे इमेज था तो इमेज का कोई मतलब नहीं होगा, आप इमेज लगा लीजिएगा। और यहाँ पे फोर्थ था तो फोर्थ में भी आपको क्या करना होगा, इमेज ही दिखाना था, ठीक है। तो अभी हम इमेज वगैरह लगा करके आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें, पहला और दूसरा लिंक बन चुका है, इसको हम ओपन कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपका फर्स्ट और सेकेंड लिंक आ गया है। इसको अगर आपको BR दे देना है तो BR भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया BR, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी लाइन उनके बीच में, तो ये BR आपका हो गया, ये हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, देखिएगा, पहला कह रहा कि न्यू टैब पे ओपन होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, यहाँ पे जो ए हरीफ होता है उसका एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। तो यहाँ पे आप टारगेट लगाएंगे, टारगेट पे आपको क्या लगाना है, तो यहाँ पे टारगेट की अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे एक होता है आपका ब्लैंक, ब्लैंक में क्या होगा, नई विंडो में आपके खुल के आएगा, ठीक है, या नए टैब में कह सकते हैं। और दूसरा होता है सेल्फ, सेल्फ आपको जो होता है सेम पे खुलता है, दो मेन ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्लैंक। अब जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक लगाया हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, देखिए एक नई विंडो यहाँ पे खुल के आ गई है, ठीक है। उसी तरीके से मैं इस पे चाहता हूँ, देखिए ये डिफॉल्ट इसी में खुल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट लगा देंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया टारगेट। टारगेट के बाद यहाँ पे आपको डबल कोट्स के अंदर जो है अंडर स्कोर लगा करके आपको लिखना है सेल्फ। तो यहाँ पे जैसे आप सेल्फ लिख देंगे तो ये आपका क्या करेगा, इसी में खोलेगा। लेकिन अगर जैसे आप टारगेट यहाँ पे लगाए थे नया, तो ये नए में खोल रहा है। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें कि कुछ आपको इमेज के रेफरेंस देने हैं, उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि आपको एक इमेज लगाना है, कि जैसे आप उस इमेज पे क्लिक करें तो आपका इमेज दूसरा खुल जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक इमेज सबसे पहले लगा देना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है, तीसरे पे नहीं कुछ लगा रहे हैं, चौथे पे क्या करेंगे, एक इमेज यहाँ पे लगा दे रहे हैं, IMG SRC इक्वल डबल कोट्स में, यहाँ पे कुछ इमेज का पाथ दे देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया है, इसको सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये इमेज आपका आ रहा है बहुत बड़ा, तो इसकी मैं हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया हाइट, तो हाइट मैंने दे दिया 120 पिक्सल, और उसी तरीके से विड्थ लगा देते हैं, तो और विड्थ मैंने भी लगा दिया 120। अब यहाँ पे चलते हैं, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए आपका इमेज आ रहा है, ऊपर लिंक है। मैं चाहता हूँ जैसे इस पर क्लिक करे कोई, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, इस इमेज पे दूसरा इमेज खुल जाए, ठीक है।
तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपकी लिंक है उस लिंक को आपको यहाँ पे रखना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये हरिफ जो है उसको कट करके इसके पहले लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो मैं चाहता हूँ जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा, अभी देखिएगा ये क्लिकेबल बन गया होगा, देखिए क्लिकेबल बन गया। जैसे आप कोई क्लिक कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस इमेज पे ये वाला पेज खुल के आ जा रहा है, ठीक है, ये वाला। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, कोई इमेज खुल के आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो आपका ये हरीफ है जो आपने पेज लगाया हुआ है, इसकी जगह पे कोई दूसरा इमेज का पाथ दे देंगे, ठीक है, कोई भी आप इमेज दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक इमेज का पाथ यहाँ पे दे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक इमेज का पाथ दे दे रहा हूँ कि रवि.jpg। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज का पाथ दे दिया था कि रवि.jpeg। अब यहाँ पे जैसे आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, देखिए एक इमेज यहाँ पे खुल के आ चुका है, ठीक है, जैसे आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा था आपके चौथे वाले क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चंस आपको मैंने पूरा करके दे दिए, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये टेबल बनाना है, तो टेबल सभी को बनाने आता होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ और वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, और वीडियो को पॉज करके पहले मैं कोडिंग आपको यहाँ पे लिख करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने कुछ डेटा छोटा सा बना लिया है, यहाँ पे हेडिंग वगैरह दे दिया है। अब इसको हम अपने ब्राउजर पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये टेबल बन के तैयार हो रहा है। अब उसमें आपको देखिए नीचे क्या कर रहा है कि इस तरीके से अब बच्चों की डिटेल्स डालनी होती है, तो ये सारी चीजें आपने किया होगा, लिखा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो TR को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब डेटा डालने के लिए फिर से एक नई TR लेना पड़ेगा, और उस TR में आपको क्या लेना पड़ता है, फिर TD लिखना पड़ता है डेटा को लेने के लिए। तो Serial Number 1 है तो Serial Number 1 आपको देना होगा, इसके बाद फिर से TD लेंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे नाम कह रहा है, तो यहाँ पे आपको नाम ही देना होगा। तो जो भी आपका नाम है या स्टूडेंट्स का जो नाम होगा, इस तरीके से आप सारी डिटेल फिल करते होंगे। रोल नंबर जो है वो रोल नंबर यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से तीसरे नंबर पे आपका DOB है, तो जो भी स्टूडेंट्स की DOB होगी, ये DOB हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। उसी तरीके से अगला जो एड्रेस है उनका, तो अगला एड्रेस यहाँ पे क्या कर लेंगे, भर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से अगले उनके पापा का नाम है, तो पापा का नाम, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पे एक रो का भी ऐड कर लिया है डेटा, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए आ गया है, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको अगर आप कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी और पेस्ट कर दिया। और अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे देखिए जितने भी बच्चों का डिटेल आप ऐड करेंगे ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर आप किसी को एडवांस टाइप में बना चाहते हैं, इसमें स्क्रिप्ट वगैरह भी यूज करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। उसका क्या होगा, इसमें जो आपकी टेबल बन के आ रही है, जो मार्क्स वगैरह या जो डिटेल फिलो करके आ रहा है, वो सारी डिटेल्स नहीं फिलो करके आएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके इतने रो और कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे हेडिंग के बाद। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो मैं ये जो डेटा बनाया हूँ TR के बाद, इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से आपको यूज करना पड़ते हैं। तो ये TR के बाद मैं कमेंट को यहाँ पे कर रहा हूँ, क्लोज भी कर दे रहा हूँ इस तरीके से। अब ये तो हमारा डेटा चल रहा है, कमेंट हो गया है। नीचे अगर आप बढ़े तो हमको इसमें स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ऐड करना पड़ेगा। तो एक स्क्रिप्ट टैग हो गया, अब इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे नीचे बंद करेंगे, तो उससे पहले बीच में हमको क्या करना होगा, एक वेरिएबल लेना होगा और यहाँ से पार्स इंट लगाना होता है। पार्स इंट यहाँ पे लगा देंगे और एक प्रॉम्प्ट लगा देंगे, जिससे हम यूजर से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है। यूजर से हम कह रहे हैं कि इंटर द स्टूडेंट नंबर, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, खुद से वो बताएगा आपको कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपका वो वेरिएबल एन में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप लगा लेंगे और वेरिएबल को कहेंगे आई से शुरू होकर के एक से शुरू होगा, अर्थात आई जो है एक से शुरू होगा और आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक जाएगा, जहां तक आपका कहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद आई बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा लेने हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम ही होता है यहाँ पे कुछ लिखना प्रिंट करना। तो डबल कोट्स मैंने लगा दिया, इस डबल कोट्स में हम जो है TR यूज करते हैं। TR पहले लगा देते हैं, तो इसके बाद TD वगैरह लगाते हैं, फिर आप TD को बंद करते हो, फिर TD को लगाते हो, TD को बंद करते हो। ऐसे आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 9 बार, क्योंकि इसमें 9 कॉलम्स दिए गए हैं। तो 9 कॉलम्स में आपको TR के उपलक्ष में TD को आपको चालू करना है और TD को आपको बंद करना है। तो ये मेरा TD और TD मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लगा लेता हूँ।
तो ये मैंने 9 बार टीडी लगा लिया है, इसके बाद हम टीआर को भी यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। टीआर को क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दे रहा हूँ, जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का होता है। इसके बाद एंगल ब्रैकेट या मजला ब्रैकेट बंद ही है, और ये टीडी हमारा जावास्क्रिप्ट बंद ही हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे इस ब्राउजर में चले और इसको रिफ्रेश करें, और देखिए जैसे आप रिफ्रेश करके पूछेगा तो इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपने जैसे दिया 10, और जैसे आप ओके करेंगे देखिए यहाँ पे 10 कॉलम आपको बन के तैयार कर देता है, ये 10 रो क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर से रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, तो जैसे आप ओके करेंगे देखिए 50 की लिस्ट बन के क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी आप थोड़ा सा इसमें जावास्क्रिप्ट को इंसर्ट करके थोड़ा सा और इसको एडवांस बना सकते हैं। तो ये हो चुका है आपका स्टूडेंट्स तीसरा वाला क्वेश्चंस, और इस प्रैक्टिकल क्लास का लास्ट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपकी लंबी हो चुकी है, वीडियो लंबी होने का कारण यही है कि पूरा का पूरा क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो से हम केवल आपको हिंट देते जाएंगे, बाकी आप काम करते जाएंगे। कहीं किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर स्पेशली उस क्वेश्चंस पे वीडियो बना दिया करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके, वो भी प्रैक्टिकल में पास हो सके। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।